नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और गुणकारी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे, वो है मरीच या काली मिर्च। अब देखिए, जो काली मिर्च है वो हमारे रसोई में हम हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। ये खाने के स्वाद को तो बढ़ाती ही है, लेकिन इसके बहुत सारे औषधि उपयोग भी है। इसका सिंगल ड्रग के तौर पर भी उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में बहुत सारी अन्य औषधियों के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फिर त्रिकटु चूर्ण है, तो इसमें सोंठ, काली मिर्च और पिपली, इन तीनों को मिला के त्रिकटु चूर्ण बनाया जाता है। इसके साथ ही पंचकोल यानी सोंठ, काली मिर्च, पिपली, चवक, चित्रक, इन पांचों औषधियों से पंचकोल ये औषधि बनती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये काली मिर्च है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या है, इसे लेने का सही तरीका क्या है, इसकी मात्रा कितनी है, तो इन सब के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जो काली मिर्च है इसका जो कुल बताया गया है वो पिपली कुल यानी ये पाइपरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बहुत सारे संस्कृत नाम भी है। संस्कृत में इसे मरीच, वेल्लज, वेल्लज यानी जो बेल है उस पर उगने वाले होने के कारण इसका ये नाम है। इसके साथ ही इसे कृष्ण, कोल, श्याम, इस तरह के भी नाम है। इसका जो काला रंग है इसकी वजह से ये नाम है। इसके साथ ही इसे तीक्ष्ण, उष्ण, इस तरह से भी नाम है। या फिर कटुक, कटुक यानी इसका कटु रस, तीखा रस होने की वजह से इसका ये नाम है। या फिर इसकी जो तीक्ष्णता है उसके वजह से इसे तीक्ष्ण या फिर उष्ण, ये गर्म है इसलिए इसके ऐसे नाम दिए गए हैं। या इसका जो हिंदी नाम है वो है काली मिर्च, मराठी में इसे काले मिरे या फिर काला मिरा कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ब्लैक पेपर कहते हैं, और जो इसका लैटिन नेम है वो है पाइपर नाइग्रम। इसकी बेल रहती है और उस पर ये छोटे छोटे फल लगते हैं। ये जब फल कच्चे रहते हैं तो ये हरे रंग के दिखते हैं, पकने पर ये लाल रंग के दिखते हैं, और जब ये सुखाए जाते हैं तो फिर इसका काला रंग आता है। औषधियों में भी ये जो मरीच के ये जो फल है इसका प्रयोग औषधियों में किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो मरीच यानी काली मिर्च है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो भाव प्रकाश इस ग्रंथ में बताया गया है, मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफवातजित उष्णम पित्तकरम वृक्षम श्वासशूल क्रूमिन हरेत। ये जो काली मिर्च है ये जब गीली रहती है यानी कच्ची रहती है तब इसके गुणधर्म अलग है, और जब ये सूख जाती है तब इसके गुणधर्म अलग रहते हैं। तो जो गीली वाली काली मिर्च है तो इसके गुणधर्म उन्होंने क्या क्या बताए हैं, तो इसका जो रस बताया गया है वो मधुर रस यानी मीठा रस है, विपाक भी मधुर है यानी ये पचने के बाद भी शरीर में मिठास उत्पन्न करने वाला है। इसके साथ ही उसका जो वीर्य बताया है वो नाति उष्ण यानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन ये जब सूख जाती है तब इसके गुणधर्म अलग है। तो फिर इसका जो रस है वो कटु रस है यानी इसका तीखा रस है, यहाँ तक कि इसका जो वीर्य यानी इसका जो स्वभाव है वो गर्म है, तो इसलिए ये दोषों पे इसका क्या असर है, तो ये वात को भी कम करती है, कफ को भी कम करती है, लेकिन ये पित्त को बढ़ाने वाली है। वात और कफ शामक होने की वजह से जिनके शरीर में वात और कफ दोष बढ़े हुए हैं तो वो लोग इसका जो काली मिर्च है इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पित्त प्रकृति के हैं या जिनके शरीर में पित्त दोष ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उन्होंने इसका सेवन बहुत संभाल के करना है। यहाँ तक कि पित्त काल में भी यानी जो गर्मी बढ़ने का जो मौसम है यानी मार्च महीने से लेकर फिर मई महीने तक या फिर अक्टूबर महीने में भी इसका सेवन कम करना है। या फिर जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आँतों में घाव है, जैसे फिर गैस्ट्रिक अल्सर है या फिर डियोडिनल अल्सर है, उन लोगों ने इसका सेवन नहीं करना है। यहाँ तक कि जिनको शरीर में कहीं पे भी रक्तस्राव है, जैसे अगर किसी के नाक से खून निकलता है या फिर मूत्र मार्ग से खून निकलता है, या फिर किसी को अगर पाइल्स की तकलीफ़ है और वहाँ से अगर उनको खून निकलता है, तो उन्होंने भी काली मिर्च का सेवन नहीं करना है। यहाँ तक कि गर्भावस्था में भी इसका सेवन नहीं करना है। तो इस तरह से कुछ सावधानी लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि जो हमारे रसोई में जो मसाले रहते हैं, जैसे काला मसाला है या फिर गर्म मसाला है, उसमें भी जो
काली मिर्च है वो रहती है, तो इसका सेवन भी आपने बहुत संभाल के करना है। अब देखते हैं कि जो काली मिर्च है इसको हम कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीर की अलग अलग सिस्टम पर इसका क्या असर है, तो ये वीडियो में आगे देखते हैं। शरीर में अगर कहीं दर्द है, सूजन है, तो काली मिर्च का आप वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, यानी स्थानिक प्रयोग आप इसका कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो काली मिर्च है इसका पाउडर आप बना सकते हैं बड़े आसानी से, आप इसका घर में ही पाउडर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से काली मिर्च का पाउडर, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गर्म करना है और फिर इसका लेप आप जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द है या सूजन है वहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्किन की कुछ बीमारियों में भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये उष्ण तीक्ष्ण है, बहुत ही गर्म स्वभाव की है, तो सावधानी से इसका इस्तेमाल करें, हो सके तो चिकित्सक की निगरानी में या चिकित्सक की सलाह से आप इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही ये जो काली मिर्च है इसे कृमि दंत या फिर दंत शूल में भी इसे लगाने के लिए बताया गया है, तो अगर आपको दांत में दर्द है या फिर डेंटल डिके है, कैविटीज़ है, तो मंजन के जैसा आप इसके पाउडर का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि इससे बनाया हुआ तेल भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं, इस तेल को भी आप घर पे बना सकते हैं। तो ये जो काली मिर्च है इसको हल्का सा कूट के आप इसको जो तिल का तेल है उसके साथ अच्छे से इसको पकाना है, गर्म करना है, और फिर उस तेल को ठंडा होने के बाद छान के उसका इस्तेमाल आप जहाँ पे आपको दांतों में वगैरह दर्द है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो काली मिर्च है इसका पाचन संस्थान पर यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या असर है, तो ये अग्निदीपन करने वाली है, यानी जो हमारा जठराग्नि है उसको बढ़ाने वाली है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती या खाना खाने का मन नहीं होता वो लोग इसे ले सकते हैं। इसे लेना कितना है, तो इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है, बिल्कुल आधे से लेके एक ग्राम तक, यानी आप दो चुटकी से लेके चार चुटकी तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। बड़े आसानी से आप इसका पाउडर घर पे बना सकते हैं, इसको आप अगर आपको भूख नहीं लगती तो खाना खाने के आधा घंटा पहले आपने इसे लेना है। आप इसे घी के साथ भी ले सकते हैं, तो जो घी है इसे आपने आधा चम्मच घी और उसमें दो चुटकी जो काली मिर्च का पाउडर है इसको डाल के आप खाने के आधा घंटा पहले ले सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं, इसके आपकी भूख भी बढ़ेगी, खाना खाने का मन होगा। अगर किसी को खाना ठीक से हजम नहीं होता है या फिर खाना खाने के बाद बहुत देर तक पेट में बहुत फूलापन रहता है या गैसेस रहती है, ब्लोटिंग रहता है, तो वो लोग खाना खाने के बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप खाने के आखिर में छाछ के साथ भी ये जो काली मिर्च का पाउडर है इसको आप ले सकते हैं। यहाँ तक जो त्रिकटू का चूर्ण है यानी सोंठ, काली मिर्च और पिपली, इन तीनों का जो चूर्ण है जिसे त्रिकटू चूर्ण कहा जाता है, इसको भी दो से चार चुटकी आप छाछ में मिला के ले सकते हैं, तो आपको जो पेट में गैसेस रहती है या फूलापन रहता है तो वो कम हो सकता है। जिन लोगों को बार बार अजीर्ण होता है या फिर अतिसार यानी पतले दस्त रहते हैं वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, या जिन लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो वो लोग भी थोड़ा सा भुना हुआ हींग और उसके साथ ये जो काली मिर्च है इसका थोड़ा सा पाउडर इसका साथ में सेवन अगर वो लोग करेंगे तो उनके पेट का जो दर्द है वो भी कम होता है। यहाँ तक इसे कृमिघ्न बताया गया है, तो जिनके पेट में कृमि यानी वर्म्स है वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्राणवाह संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इस काली मिर्च का क्या असर है, तो ये काली मिर्च जो है वो कफ निस्सारक बताई गई है। तो जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, नाक में कफ जमा रहता है, खास करके जिनको साइनस की तकलीफ है, सिर में बहुत दर्द रहता है, भारीपन रहता है, कफ जमा हुआ रहता है और वो कफ निकलता नहीं, तो वो लोग इस काली मिर्च को दो से चार चुटकी की मात्रा में इसको शहद के साथ ले सकते हैं। तो शहद जो है ये कफ को पतला करने वाला है और जो काली मिर्च है वो कफ निस्सारक है यानी कफ को शरीर से बाहर निकालने वाली है, तो इसे आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि जिनको बहुत ज़्यादा खांसी है, सीने में बहुत बलगम है, वो लोग भी इसका सेवन शहद के साथ कर सकते हैं, या वो लोग त्रिकटू का चूर्ण एक ग्राम यानी इस चम्मच से पाव चम्मच से भी कम की मात्रा में त्रिकटू का चूर्ण आप शहद के साथ ले सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को बहुत सूखी खांसी है या फिर स्वर भेद यानी जिनका गला बैठा हुआ है, आवाज़ ठीक से नहीं निकलती,
वो लोग काली मिर्च का जो चूर्ण है उसको 1 चम्मच घी के साथ ले सकते हैं, ऊपर वो थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। जिनके शरीर में वात और कफ बढ़ने की वजह से, जिनको बार बार सर्दी खांसी दमा है या फिर जिनको बार बार बुखार आता है, वो लोग भी काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें ये लोग थोड़ा सा 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, उसमें 1 चम्मच तुलसी का रस और 1 चम्मच शहद डाल के आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि इसका काढ़ा बना के भी आप ले सकते हैं। तो काढ़े में आप 2 कप पानी, इसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते हैं या 2-4 काली मिर्च है, थोड़ी सी लौंग है, दालचीनी है, थोड़े से आप सौंठ या फिर अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं। इसको अच्छे से उबाल के फिर आखिर में आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के इसको हल्का गर्म आप सेवन कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो बुखार है या सर्दी है खांसी है, इन सब में आपको राहत मिलेगी। जो काली मिर्च है वो वात विकारों को कम करने वाली है। नर्व्स के लिए ये स्टिम्युलेंट है, तो जिनको भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार इसको, काली मिर्च को, बाकी औषधि द्रव्यों के साथ दिया जाता है, तो इसके लिए आप चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जो है वो आर्तव जनन करती है, यानी जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय अगर स्राव ठीक से नहीं आता या फिर अनियमितता है, तो वो लोग काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिनको त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां है और वो भी शरीर में कफ दोष के बढ़ने से या कफ के विकृत होने से, अगर उनको स्किन से संबंधित अगर कोई विकार है या फिर त्वचा से अगर कहीं पे फोड़े फुंसी है, वहाँ से बहुत स्राव आता है, तो उन अवस्थाओं में भी काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे औषधि कल्पों में इसका, जो काली मिर्च है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मरीच आदि तेल है, मरीच घृत है, मरीच आदि गुटिका है, या फिर त्रिकटु, पंचकोल, षडूषण, इस सभी में जो काली मिर्च है इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, ये बहुत गुणकारी औषधि है, लेकिन इसको बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। जो इसका डोज बताया गया है वो है 0.5 से 1 ग्राम, और वो भी, इसे भी बहुत लंबे समय तक हमने इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी बीमारी के अनुसार या फिर ऋतु के अनुसार आपने इसका सेवन करना है, तब जाके आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने काली मिर्च से संबंधित पूरी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।